नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इलेक्शंस का दौर जारी है, सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। अब बारी है जम्मू कश्मीर की। अगर बात करें दिल्ली की, हिमाचल की और गुजरात की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व दिखाया। और उसी के साथ अगर बात करें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में, और हिमाचल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना वर्चस्व दिखाया। अब बारी है जम्मू कश्मीर की। क्या झाड़ू का जादू चल पाएगा जम्मू कश्मीर में? इस सारे विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सफीर चौधरी जी। सफीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी आपका। सफीर जी, क्या कहते हैं कि जिस तरह से MCD की अगर बात करें, फिर से MCD आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व दिखाया, क्या लगता है कि आम जनता ने फिर से केजरीवाल पर अपना विश्वास जताया? और साथ ही साथ गुजरात की बात करें तो आम आदमी पार्टी तो ये भी सोच रही थी कि गुजरात में भी सरकार अपनी बनाएंगे, पर वहाँ कहाँ कमियाँ रही? और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में किस तरह से आप देखें? देखिए रश्मि जी, जैसे दिल्ली का रहा है तो दिल्ली के अंदर तो मतलब दिल्ली हद तक गंदी हो गई, क्योंकि हम वहाँ पर करते रहे कंपेनिंग के लिए, गए हैं डोर टू डोर, क्योंकि जनरली तो लोग जहाँ से जाते हैं तो एयरपोर्ट से उतरे चले गए, होटल में चले गए, पता नहीं चलता है। तो हमने देखा मतलब इस कदर का दिल्ली का हालत था कि हर घर के सामने कचरा पड़ा हुआ, मच्छर इतना, बहुत बुरी हालत। एक दिन गलती से हमारा गाड़ी का छत खुल गया, रैली में थे तो गाड़ी पूरी भर गई मच्छरों से। तो ये हालत दिल्ली की हुई थी। और दिल्ली के लोगों को मैं आपके द्वारा मतलब कहना चाहूँगा, यहाँ से पहले भी हमने कहा कि भाई मुबारक के पात्र हैं वो लोग कि जो लोग सिर्फ अपने काम पर उन चीज़ों पे फोकस करते हैं और गवर्नमेंट चुन के लाते हैं कि भाई जो लोग उनके लिए काम करें। अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे चल रहा है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन मंदिर है, कौन मस्जिद है, सब उन चीज़ों पे वोटिंग होती है। लेकिन दिल्ली के लोग जो मुबारक के पात्र हैं कि उन्होंने अपने काम को प्रेफरेंस दिया। तो भाजपा का गढ़ माना जाता दिल्ली की अगर बात करें तो घर तो अब खत्म समझिए आप, क्योंकि MCD के अंदर 15 साल से थे ये, तो अब निकल गए हैं। तो चलो दिल्ली भी अब खुशहाली की कुछ सांस लेगी, कुछ ठीक चीज़ें वहाँ पर होंगी। उसके बाद गुजरात के अंदर हमारा बहुत बढ़िया रहा है, एज एक्सपेक्टेड। हम नहीं कहेंगे जैसा एक्सपेक्टेशन थी हमारी वैसा नहीं हुआ है, लेकिन ये भी एक किला डालने से कम नहीं है कि वहां पर इनके गढ़ में जाके 5 सीटें लाना, 12-13% का वोट शेयर लेना, 41-45 लाख लोग जो थे उन्होंने भरोसा किया है, तो बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि हमारी नई पार्टी है, 10 साल अभी कुल हुए हैं हमें, 10 साल के अंदर 2 स्टेटों के अंदर, तीसरी स्टेट के भी अंदर मतलब इस तरीके से वोट शेयर इतना लेना, फिर उसके बाद गोवा के अंदर भी हमारा वोट शेयर काफ़ी अच्छा आया, तो बहुत बढ़िया लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। और हम चाहते हैं कि ये एक साफ शफाफ राजनीति जो है ये दुनिया इसको एक्सेप्ट करे और हम इसमें कामयाब हों लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाने के लिए। जी, अब बात करेंगे हम सफीर जी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि बाहरी राज्यों की अगर बात करें तो ये भी कहेंगे कि बड़ी ही पैनी नज़र रहती जम्मू कश्मीर की सियासत पर, अगर बड़ी दिलचस्प सियासत है जम्मू कश्मीर की अगर कहें, और बड़ी ही उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह के मुद्दे हैं, अगर बात करें हम डेली वेजर्स के मुद्दे हैं, आशा वर्कर्स के मुद्दे हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो मुद्दे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर के मुद्दे हैं, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लाइज के मुद्दे हैं, PM पैकेज के तहत लगे एम्प्लाइज, होम गार्ड्स के, SPOs के, लैंड ओनर से CPW वर्कर्स के, कुक के मुद्दे हैं, यानी लगातार कई सालों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर सर। और बात करें अब ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी और साथ ही साथ PM पैकेज के तहत जो लोग इम्प्लाइज घाटी में काम कर रहे हैं कि जान बचाएं या नौकरी बचाएं, आपको लगता है कि अगर इन सारे मुद्दे ये हल नहीं किए गए इलेक्शन से पहले तो भाजपा में जिस तरह से भाजपा को दिल्ली में हार का सामना देखना पड़ा या हिमाचल में अगर बात करें तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी हालात होंगे भाजपा? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप तो ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, सब हर किसी की रिपोर्टिंग भी करते हैं, सारे के सारे आप देख रहे हैं भाई किस तरीके डेली बेसिस, और हर कोई इस टाइम परेशान है। तो मेरा तो एक ही आपके द्वारा ये कहना है कि ये सारी की सारी मुश्किलें जो खड़ी की हुई हैं ये भाजपा की ही खड़ी की हुई हैं मुश्किलें। आज हमारी कोई पार्क खाली नहीं है, कोई पुल खाली नहीं है, प्रेस क्लब के बाहर जगह नहीं मिलती। अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो 20-20 दिन की डेटें मिल रही हैं, तो ये किस कारण से हो रहा है? मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2019 के बाद हमें बोला गया था कि जी देखिए आपका स्टेट के अंदर ये जो अरोड़ा है 370 इसको हटाएंगे तो हम पता नहीं क्या क्या तूफान करके लाएंगे, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। और युवा जो जितने हैं यहाँ के वो परेशान हैं, जितने भी यहाँ पर मुलाजमीन हैं हमारे वो सारे के सारे परेशान हैं। और दो डिपार्टमेंट के लिए तो मैं कहूँगा आपकी सदस्य कि भाई आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर जी, इन पे ही मतलब ये समझ लीजिए जैसे गवर्नमेंट का एक हर कोई डिपार्टमेंट जो है इन पे हक जताता है अपना, और काम के लेवल पर जैसे आप पीछे देख रहे थे बैक टू विलेज था जी, या ऐसा कोई भी प्रोग्राम आता है जी, तो इनके अंदर इसको एक अच्छे लेवल पे यूज किया जाता है आशा वर्कर्स को। और इनको इनकी देखी जाए सैलरी इन बेचारों की सबसे कम, कोई इनकी जॉब पॉलिसी नहीं है,
कोई इनके लिए पेंशन की वो स्कीम नहीं है, और अभी तो बीच में निकाल के ला रहे हैं तुगलकी की फरमान, इनके डेली डेली आ रहे हैं निकालते हैं कि भाई आज इनको निकाल दो, इनको ये कर दो। जिन बच्चियों ने, जिन बहनों ने हमारी 20 20 30 30 25 25 साल डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, अब उनको आज निकालेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आज तो उनकी ना वो एज रही है किसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए, ना कहीं वो इंटरव्यू दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है तुगलकी की फरमान जो है बैठ के ग्राउंड लेवल पर देखा नहीं जाता है, किसको क्या नुकसान हो रहा है, किसको क्या परेशानी आ रही है, वो चीज़ें ना देख के रातों रात बैठ के तो उनके आर्डर निकलते हैं। और यही एक नाकामी जो इनकी है, मैं कहता हूँ कि भाई मतलब एक अनपढ़ता की हद है ये, जहाँ पर इनको समझ ही नहीं है ग्राउंड लेवल की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रातों रात पर आर्डर भाजपा निकलते तो हैं। ये कह रही है कि पिछली सरकारों की 70 साल से जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें उन्हें सीधा करने में हमें समय लगेगा, ये हमारी देनी बल्कि पुरानी सरकारों की हुई गुत्थियां जो आज भाजपा सुलझाने में लगी हुई है, पर उसे समय लग सकता है। देखिए उसमें भी कोई दोहराया नहीं है कि पीछे लोगों ने नहीं किया, पीछे भी लोगों से गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं हम कहते कि पिछले बिल्कुल साफ 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 शफाफ थे सारे के सारे, लेकिन उन गलतियों का जो अजाला था वो साथ साथ में होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल तो पिछले 7 8 साल से लगभग लेके चलिए 3 4 5 साल तो इनकी गवर्नमेंट रही पहले, फिर वो गवर्नमेंट टूटी, उसके बाद 5 साल से हम ये इनका शासन जो है एक प्रक्सी जो रूल है वो दिल्ली से बैठ के चला रहे हैं उसको देख रहे हैं हम, तो 10 साल लगभग ये हो गए हैं। इन 10 सालों में तो कोई काम किया नहीं उन्होंने, आपने देखा होगा जितनी भी एडवर्टाइजमेंट निकली है वो सारी की सारी आज तक कोई सिरे नहीं चढ़ा है, किसी को इंटरव्यू में रोक दिया गया, किसी का लिस्ट पे रिजल्ट रोक दिया गया, किसी का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद घपला निकला, तो आज तक इन्होंने किया क्या पिछले 10 साल में? तो एक भी आदमी देखा दिखाएं कि भाई एक भी किसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज को निकली और वो सिरे तक पहुंची हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जितने भी लोग हमारे परेशान हैं, इन परेशान लोगों से मैं आपके साथ से एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि भाई अब वक्त आ गया है, अब 2 महीने में 3 महीने में 6 महीने में 8 महीने में जब भी इलेक्शन होते हैं तो भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाइए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे सबसे बुरी हालत जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट की है। जी बिल्कुल सफीर जी, एक चीज़ आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो हम भी कुछ दिन पहले डोडा केसर इलाके से होकर हैं, पहले भी हम गए थे और काफ़ी सारी लोगों की शिकायतें भी आती हैं कि बैक टू विलेज की अगर बात करें, बैक टू विलेज 1 2 3 और 4 ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रखा गया, उसमें ऑफिसर्स डेप्यूट के ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र दूर दराज के एरियाज में जाए, वहाँ के लोगों की परेशानियों को लेकर आए सामने और आगे हाईकमान तक रखे ताकि ऐसा ऐसा करके उनका समाधान हुआ। पर आज बैक टू विलेज फॉर लोगों को तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तो पता ही नहीं कि बैक टू विलेज होता क्या है, क्योंकि वहाँ पर हुआ ही नहीं, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, आज चौथा भी नहीं हुआ, यानी वो सिर्फ नाम ही नाम रहकर आए। तो ये बैक टू विलेज प्रोग्राम्स किसके लिए हैं? आज भी लोग सड़कों से वंचित हैं, आज भी लोग बिजली पानी से जूझ रहे हैं, आज भी लोगों के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, आज भी महिलाएँ गर्भवती होती हैं तो जब उनको चारपाई पर उठाकर लोग अस्पताल तक पहुँचाते तो रास्ते में गर्भपात हो जाता है या उन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, ये इशू है, तो किस लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम बनाया? देखिए बैक टू विलेज को तो मैं समझता हूँ कि एक पब्लिक एक्सेक्टर के साथ एक बड़ा मतलब घबरा है ये करने का, वो कर रही है गवर्नमेंट के भी इतना पैसा खर्च रही है उसके ऊपर जा रहे हैं आ रहे, और बैक टू विलेज में क्या कौन है? बैक टू विलेज में या तो हमारी वो आंगनबाड़ी वाली बहनें बेचारी उनको रखा होता, आशा वर्कर्स रखी होती, जिनके हाथ में कोई कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई इंस्टेंटली कोई फैसला कर सकें। आज भी हमारी लाइट पानी की जैसे आपने बात की तो लाइट के आज भी हमारे ऐसे पोल हैं जिन पे तारें लगाई हुई हैं, और वो पोल नहीं है, वो लकड़ी के पोल खड़े करके उन पे तारें लगाई हुई हैं, आज भी वहाँ पर खतरा रहता है कि भाई कहीं किसी ने तार लगाई तो कोई मर जाएगा। बस इनको सिर्फ बिल भेजने आते हैं लाख लाख रुपए के, 50 50 हज़ार के, 2 2 लाख के, बिजली वहाँ पे भी ना आने के बराबर थोड़ी देर आएगी पूरा। बिल्कुल देखिए अभी हम जैसे रूल की बात करें, हमारा एरिया अभी मौसम सर्दी का मौसम आ रहा है तो बिजली की कटेलमेंट 8 9 घंटे की इन रिटर्न है, 17 18 घंटे वैसे बिजली कटती है, और कभी कभार आ जाएगी तो फिर वो उसका फॉल्ट दिखाएंगे, जी हवा चल गई थी, तारें हिल गई, ये हो गया वो हो गया, तो तारें हिलती कहाँ से, क्योंकि कोई पोल नहीं लगा हुआ, कोई उसका प्रोसेस नहीं है ठीक ढंग से, लकड़ियों के साथ तारें बांधी हुई हैं, तो इस तरीके का जो निज़ाम हमारा चल रहा है वो तो है ही है, वो तो चल ही रहा है कि भाई इसका कोई ठीक करने के लिए कोई है नहीं है, बाकी दिखाने के लिए है कि मीडिया में दिखा दो, नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर दिखाओ जी बैक टू विलेज हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बैक टू विलेज करने कौन जा रहा है? मान के चलिए हमारी कोई रोड खराब है, हमारे पास वैसा कोई बंदा बैक टू विलेज में आना चाहिए जो इंस्टेंटली उसका फैसला कर सके कि भाई ठीक है यार ये रोड खराब है आपकी ठीक करवा लो, इतने दिन में ठीक हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। ये आंगनबाड़ी वर्कर्स को, टीचर्स को, उनको बेचारों को, या जो हमारे सरपंच हजरात हैं जिनके पास कोई बेचारों के पास कोई देह नहीं रखा है कुछ भी, उनके हाथ में कुछ है नहीं है, उनको भेजा जाता है जी लिख के भेज दो, अब तो लिख के भेजने से क्या होगा, बैक टू विलेज 1 में 2 में 3 में लिख के भेजा वो काम होगा? अभी तक हुए नहीं, 4th का भी वैसे हुआ, इस बार तो आपने देखा होगा बैक टू विलेज 4th में तो बहुत सारे लोगों ने इसको बाइकआउट किया था, जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे उन सब ने ये इसको किया कि भाई यार करने का कोई फायदा नहीं है, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट की हैं वो लोगों के सामने हैं, अब लोगों को डिसाइड करना है कि दिल्ली के लोगों की तरह अगर उनको भी मतलब अकलमंदी से
पढ़े लिखे होने का अपना सबूत देना है, तो वो इस बार एक ही इलाज है कि भाजपा कोटा के जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी आने वाले इलेक्शन में कहाँ पर अपने आप को देखती है? देखिए ये तो पब्लिक के हाथ में चीज़ें होती हैं, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हमारा एक ही मिशन है कि जो दिल्ली का मॉडल है, मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसको लेके हम पंजाब के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेके जहाँ जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट्स हैं इस टाइम पर, हम उससे उन चीज़ों को लेके लोगों के सामने जाएंगे। बाकी पब्लिक जो है वो जानती है सब कुछ, पब्लिक बेवकूफ तो है नहीं है। अब कितना वो एक्सेप्टेंस देते हैं लोग, क्या करते हैं, वो लोगों पर हम छोड़ेंगे। जी क्या लगता है जम्मू जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए आम आदमी पार्टी ही एक पार्टी है जो लोगों के बेसिक मुद्दे जो हैं उन पर काम कर रही है जी। उनके लिए मतलब आज तक कोई 70 साल 75 साल के अंदर हमारा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई मॉडल नहीं था दिखाने के लिए। गुजरात मॉडल एक मोदी जी लेके आए थे लेकिन वो दिखाने लायक था नहीं, ठीक है जी। तो वो मॉडल किसी और चीज का था, दिखाया किसी और चीज के लिए जा रहा था। जनता ने भी कह दिया वो मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है, दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर हमारा मॉडल जो है वो ऑलरेडी उस पर काम हो रहा है। आते ही हमने डेली वेजेस को परमानेंट किया, हमारी जितनी भी वैकेंसीज किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर खाली पड़ी थी उसको फिल किया हमने, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं हमने पंजाब के अंदर जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर मिलती जुलती हैं, हमें यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो लोगों को डिसाइड करना है आपके भाई काम के लोग चाहिए या कि आपको भी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पहाड़ी गुज्जर कश्मीरी कश्मीरी जम्मू वाले या ये वर्सेस पे हमने लड़ाइयाँ लड़नी है। ये आज तक 70 साल से हम वर्सेस पे लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, हमने आज तक नुकसान किया है, आज तक होते रहे हैं। तो मेरा आपके विश्वास से लोगों से भी अपील है कि भाई सही क्या है उसको बचाना, जनता को समझना होगा, बिल्कुल समझना होगा राजनीति किस तरह की राजनीति है, कौन किस तरह की राजनीति कर, उनको समझना होगा कि जनता की मूलभूत सुविधाएं कौन पार्टी या कौन रिप्रेजेंटेटिव। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको लक्ष्मी जी, आप तो फील्ड में काम करते हैं सब जानते हैं, आज यहाँ पर डिवाइड करने के लिए क्या किया गया, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान तो चला नहीं इनका पिछले 7-8-10 साल से, पिछले इलेक्शन में उसके पहले किया इन्होंने, नहीं फर्क पड़ा उससे। तो अब इन्होंने क्या किया कि भाई रूरल्स के अंदर आप देखेंगे कितनी मुसीबत जो हमारे पीर पंजाल के अंदर बनी हुई है, वो बनी हुई है पहले पहाड़ी गुजर की, अब गुजर बकरवाल कर दिया, गुजर बकरवाल कर दिया। तो इस तरीके से डिवाइड करके तो लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि भाई इनके पास कोई काम नहीं, इनके पास कोई वो चीज नहीं है कि जो दिखा सके लोगों को, इनको दिखाने था, इनको जाना था रूरल के अंदर, देखिए भाई हमने लाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिछा दिया, आपके पानी वाटर सप्लाई की स्कीमें कितनी आ गई वो आ गई, आपके इतने सारे जो लोग थे हमने वो परमानेंट कर दिए, इतनी सारी नई वैकेंसी निकाली, वो इनके पास है नहीं दिखाने के लिए। अगर बात करें डेली वेजर्स ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इलेक्शन से पहले पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं तो भाजपा तो भूल ही जाए अगर हम भाजपा को वोट करें। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन में हम जवाब देंगे अगर हमें हमारी परेशानी को दूर नहीं किया, वही पीएम पैकेज के तहत। ये क्या लगता है अगर जिस तरह से पंजाब में भगवत मान ने आते ही लगभग 30 से 35 हज़ार डेली वेजर्स को पक्का किया, अगर यह जम्मू कश्मीर की जनता आप लोगों को मौका देती है, अगर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स आपको मौका देते हैं, क्या लगता है आपको भी सोचने में समय लगेगा या पंजाब की तरह आते ही डेली वेजेस का? देखिए पंजाब का मॉडल आपने देख लिया, हमने आते ही काम किया है। तो अगर यहाँ पर यहाँ की जनता ने मौका दिया तो ये जितनी पार्कें हैं ना, जितनी ये परेशानियां इस टाइम पे चल रही है, सबसे पहले हम पहली कैबिनेट में इन्हीं को हल करेंगे, इन लोगों को घर भेजेंगे वापस के, भाई परेशानियां खत्म करें सबसे पहले तो हम यह करेंगे। यहाँ पर दो तुगल की इस टाइम पे चल रहे हैं फरमान, एक तो सरकार का, दूसरा मिलिटेंटों का। उधर से मिलिटेंट निकाल रहे हैं जी, जो अगर कश्मीर घाटी में आए तो आपको मार देंगे। सरकार सैलरी बंद करके बैठी हुई कि आप वापस जाओ और मरो जाके, मतलब सरकार को हमारे बच्चों के, इन भाइयों के खून से, इनके मरने से पूरे हिंदुस्तान के अंदर फायदा होना है। तो सरकार चाहती है कि ये जाएं और मरें वहां पर जाके, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी मतलब अगर किसी भी कंट्री के अंदर इस तरीके के हालात हों तो कोई भी आदमी की जान जो सबसे सर्वोपरि है। कमेटियां भी बनाई है पर अभी तक कोई भी आउटपुट या कोई रिजल्ट निकला नहीं है। कमेटियां जो है ये गोल गफे, वो क्या कहते हैं, मम्मे देते हैं गुड़ के मम्मे खा लो आप, ये कमेटियां वैसे ही सारी सारी कमेटी जहां पर बननी चाहिए वहां तो बनी नहीं है। सरकार के हिसाब से तो कोई कमेटी बनी नहीं है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो कोई कमेटी बनी नहीं है। एक पार्टी कमेटियां बना रही है अपनी, वो कह रहे हैं जी हमारी कमेटी जाएगी वो करेगी, कमेटी क्यों बनानी पड़ रही है आपको भाई? आपको या तो ऑर्डर निकालना है परमानेंट का या उनको इनकार करना नहीं करना है, तो कमेटियां किस लिए बना रही है आप? ये पिछले महीने होगी उनको बैठे हुए, कोई फायदा नहीं है कमेटी से, कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपके साथ से इन मुलाजमीन से भी कहूंगा कि इनसे आप कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि इतने पिछले लगभग 175 दिन से वो परेशान है बेचारे, बरसात में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे, धूप में बैठे रहे, गर्मी में, अब तो सर्दी भी आ गई है। तो इनसे ये विश्वास रखना, कि यकीन रखना ये कुछ करेंगे, ये जब भी जाएंगे इनको सिर्फ बातें करनी है, इनको सिर्फ वहां पर भी ढूंढ रहे होंगे कुछ किस तरीके से इनको आपस में लड़ाया जाए, वहां पर भी ढूंढ रहे होंगे, इनको सिर्फ लड़ाना आता है और कुछ करना नहीं आता है। वो लोगों के सामने है, अब लोगों को डिसाइड करना है कि हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। ये अगर नहीं करेंगे तो पहले ही जो ये नुकसान हो रहा है हमारा, ये 1 साल या 2 साल या 10 साल का नुकसान नहीं है, हमारे जनरेशन का नुकसान है। डे बाई डे हम बैकफुट पर जा रहे हैं। अब देखें अगर दिल्ली से तो हम बहुत दूर पीछे हैं, अब तो हम पंजाब से बहुत दूर पीछे चले गए हैं, और जम्मू कश्मीर जो एक मतलब इस तरीके की रियासत थी हमारी, इतनी बढ़िया रियासत थी हमारी, तो वो रियासत जो है इस टाइम पर हिंदुस्तान के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखेंगे तो आप सबसे पीछे हैं हम।
आप एजुकेशन में देखो तो सबसे पीछे, स्ट्राइकों का तो अड्डा बन चुका है पूरे का जी पूरा। तो देख रहे हैं हम किस तरफ जा रहे हैं, तो लोगों को जी डिसाइड करना है कि इन चीज़ों में आपस में लड़ाइयाँ ये करवा रहे हैं, उन लड़ाइयों को छोड़ के उसके परे आप अपने काम को, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट का काम ये होता है कि भाई वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। उसका काम ये नहीं है कि वो मंदिर बनवा के दे हमें, वो मस्जिद बनवा के दे हमें, वो मुसलमान करे वो हिंदू करे। जो हिंदू है वो अपने हिसाब से अच्छा जानता है भी कैसे पूजा करनी, कैसे पाठ करनी, क्या करना, वो जानता है अच्छे से। कोई मुसलमान है तो अपने अकेदे को अपने अच्छे तरीके से जानता है कि भाई यार मेरे को मुसलमान रहना तो कैसे रहना। हमें गवर्नमेंट इसलिए नहीं चाहिए कि वो हिंदू और मुसलमान करे, वो हमें हिंदू और मुसलमान का पाठ पढ़ाए। गवर्नमेंट इसलिए चाहिए कि हमारे वेलफेयर के काम करे। धन्यवाद सफीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सफीर चौधरी जी, जिन्होंने ये कहा कि बदलाव जरूरी होना चाहिए और वो बदलाव अगर चाहे तो जनता कर सकती है, क्योंकि जनता का जो फैसला होता है वो सर माथे पर होता है। जिस तरह का निज़ाम चल रहा है, अगर उस निज़ाम को बदलना है तो आम आदमी पार्टी एक महज पार्टी है जो आम जनता की परेशानियों को समझ सकती है, उनका समाधान कर सकती है। जिस तरह से अगर बात करें पंजाब में भगवत मान ने अपना पद संभालते ही पहले डेली वेजर्स के खैमे में खुशियाँ डाली, इसी तरह से लगातार हमारे डेली वेजर्स कई महीनों से पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर, इरिगेशन विभाग के बाहर और साथ से स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी के साथ ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लाइज लगातार अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं, और पीएम पैकेज के एम्प्लाइज भी कि जान बचाए या नौकरी बचाए। एक तरफ से आप कहते हैं कि वो हमारे अपने पॉलिसी, कंप्रीहेंसिव पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, पर एक तरफ कलम की मार और दूसरी तरफ गोली की मार। तो ये लोग जाए तो जाए कहां? सरकार आखिर क्यों विलंब कर रही इतनी देर से कंप्रीहेंसिव पॉलिसी के लिए? मांग रहे कि सिर्फ रिलोकेशन, और साथ ही साथ आज जम्मू बेस्ड कह रहे हैं कि कंप्रीहेंसिव पॉलिसी आखिर क्यों विलंब किया जा रहा है? अगर इन सारे मुद्दों से निजात पाना चाहते हो तो क्या लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में बदलाव की राजनीति जरूरी है? अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर भी भाजपा के हाथ से निकल जाएगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।